अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं बताती चलूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मुझे इस वीडियो को बनाने में और इस ड्रेस को स्टिच करने में 2 डेज लगे हैं। इट लुक 2 डेज हाँ टू स्टिच दिस ड्रेस। सो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ड्रेस। मैंने इस ड्रेस को 2 पार्ट में पार्टीशन में किया हुआ है। पहले मैंने ट्राउज़र दिखाया, इसके बाद मैंने पूरा कंप्लीट ड्रेस दिखाया है दूसरी वीडियो में। तो प्लीज़ ज़रूर दोनों वीडियोस को आप देखिएगा। देखिए, मैंने ये प्लेन एक कपड़ा लिया था और मैंने सोचा था क्यों ना हम इसको एक पार्टी वेयर के हिसाब से बनाएं। तो चलिए हम देखते हैं इसको मैंने किस तरीके से स्टिच करा है। मेरे पास एक लॉन का कपड़ा था सिंपल, और मेरे पास एक एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा था। मैंने कोई इसमें कॉम्बिनेशन नहीं रखा है, कोई कलर ऐड नहीं किया है। मेरे पास इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो मैंने इसकी शॉर्ट कोटी कट करके रखी हुई है, आप इसको शॉर्ट कोट भी बोल सकते हैं, वैसे कोटी ही बोलते हैं अमूमन इसको। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने स्टिच करा है इस डिज़ाइन का, लेकिन मैं और भी काफ़ी आप लोगों के लिए डिज़ाइन लेकर आती रहूँगी। लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आऊँगी ट्राउज़र के, स्लीव्स के, गले के, और स्टिच कर कर भी दिखाऊँगी। अगर आप लोगों को कोई नहीं आता या आप लोग चाहते हैं कि हमें ये बताएं ये किस तरह से कट होता है, किस तरह से स्टिच होता है, ये डिज़ाइन हमें बताएं दिखाएं, आप पिक्चर्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं डाल करके ये किस तरह से बनेगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। ये जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। जो घर में बैठी हुई लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं जो नहीं निकल सकते, कोई भी प्रॉब्लम इशू वगैरह है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही इशू हो, सबके साथ क्रिएट हो सकता है, हर तरह के इशूज़ वगैरह होते हैं। तो आप घर बैठे वीडियोस देखें और आप घर बैठे स्टिच करें, ये बहुत एक अच्छा हुनर है कि आपको इसके लिए कहीं की नीड नहीं है, आप घर बैठे इसको स्टिच कर सकते हैं। चलें खैर, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या किया है मैंने। अच्छा, मैंने एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव्स रखी हैं, कुर्ती के साथ ही कट की थी, मैंने प्लेन स्लीव्स नहीं रखी हैं। और जो है मैंने, ऐसा भी हो सकता है कि हम कोटी के साथ जो है स्लीव्स जो है हम अंदर की जो विदाउट स्लीवलेस शर्ट सी रहे हैं उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली जो है कोटी के साथ स्लीव्स रखी है, अंदर की स्लीवलेस रखी है। अच्छा, मैंने कहा कि इसके साथ हम लोग एक धनक की भी एडिशन करते हैं और उसके साथ हम इसको स्टिच करते हैं, तो मैंने इसमें धनक ऐड की है। सूट में ट्राउज़र में स्टिच कर चुकी हूँ, ऊपर से कंप्लीट मैंने ट्राउज़र को स्टिच कर लिया है और मैं नीचे से भी उसकी सिलाई मार कर ली है। जो साइड की सिलाई होती है वो मैंने अभी नहीं लगाई है, नीचे की सिलाई मैंने कर ली है, आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए, जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने नीचे की सिलाई कर लिया है। अब मैंने एक चौक ली है और मैंने फ्यूजन पर मैंने कुछ कट करके रखे थे पत्तेनुमा लीव्स जो हैं, लीव्स की तरह मैंने कट करे थे 10 पीसेस, इसको मैंने कट करके रखा था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियोस में ये मैंने कैसे कट करा है फ्यूजिंग में। अच्छा, फ्यूजिंग, और मेरे पास जो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा था वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 10 जो कट करके थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ, 5 एक साइड के 5 एक साइड के। ये मेरे पास कपड़ा है जो मैंने एक्स्ट्रा बच गया था मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला, तो मैंने कहा इसके मैं ट्राउज़र पर डिज़ाइनिंग करती हूँ। अच्छा, फ्यूजिंग को मैंने जो है कपड़े पर जो प्रेस करके लगा दिया है, और अब मैं जो को ट्राउज़र पे रख रही हूँ, ट्राउज़र पे रखूँगी। सबसे पहले मैं सेंटर का रखूँगी ताकि हमारा इक्वल आना चाहिए, हर जगह का पेटल्स रख रहे हैं हम, जो ये लीव्स रखेंगे कि इक्वल आना चाहिए, हम ऐसे रखें, ये ना हो कि एक हम इधर रख रहे हैं एक उधर रख रहे हैं, इसमें बीच में स्पेस कहीं पे ज़्यादा आ रही है कहीं पे कम आ रही है। और हमें ये ख्याल ज़रूर रखना है कि हमें साइड की सिलाई भी करनी है, तो उसके लिए हमें कपड़ा छोड़ना है, ये ना हो कि हम लोग फर्स्ट लीव जो है कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करें। नहीं, हम हमेशा स्टार्ट जो होता है डिज़ाइनिंग का वो हम सेंटर से ही करना चाहिए, ताकि बाकी जो है इक्वल आए सेंटर से आ रहा हो। तो अब हम इसको सिलाई करके बताते हैं किस तरह से मैंने इसको सिलाई करा है। देख सकते हैं, मैं मशीन की तरफ मैं ट्राउज़र को लेकर आ गई हूँ, ये मैंने पैटर्न्स को लीव को रखा है और इसके ऊपर मैं धनक रख रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर वाला मैं पार्ट कर रही हूँ, सेंटर पे लगा रही हूँ, लेकिन मैं जो है हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ, तो आपको बताने के लिए सिर्फ इस तरीके से करा है। और इसमें हम बहुत ध्यान से बहुत आराम से मशीन चलाएँगे, क्योंकि एक तो धनक बहुत स्लिप हो रही होती है, इसलिए आप बहुत एहतियात से मशीन चलाएँगे। You just might get a little bit of trouble, okay?
ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से मोड़ा है यहाँ पर। ये मशीन में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरीके से मोड़ रही हूँ इसको। मैंने मोड़ के रखा है और जो पहला पार्ट था उसका वो मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ था ना, क्योंकि मैं इस तरफ मूव करूँगी। मैंने यहाँ सेंटर से लगा कर आपको बताया, वरना ये कॉर्नर से हम लोग शुरू करते हैं और लगाते हुए आते हैं कि आपकी इजी के लिए, आपकी आसानी के लिए, कि आप ईजली सी सकें। अब ये देख लीजिए मैं सीधे स्ट्रेट लेकर आऊँगी और सेकंड यहाँ पर मैं इसका लीव लगाऊँगी जहाँ पे मेरे निशान है, ये मैंने लगा दिया और अब मैं सिलाई करती हुई आ रही हूँ। ये देख सकते हैं मैं सेकंड लीफ लगा चुकी हूँ आपके सामने, अब मैं इसको वापस मूव कर रही हूँ सेकंड थर्ड लीफ लगाने के लिए। ये देखिए मैंने स्पेस मैंने इक्वल रखी है, अब मैं यही बता रही हूँ कि थर्ड में भी स्पेस ऐसी ही आनी चाहिए, क्योंकि मैंने निशान पहले ही लगा लिए थे, ड्रॉ पहले से करके रखा था जी। ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैंने फाइव लीफ मैंने बोला था मैं एक ट्राउज़र पे लगाऊंगी और फाइव लीफ एक ट्राउज़र पे लगाऊंगी, तो ये मैंने एक कंप्लीट कर दी है। अब जो है मैं इसकी डबल करके साइड की सिलाई करूँगी। ये देखिए जो मैंने बताया था मैंने स्पेस रखी थी, अब मैं वहाँ से सिलाई करूँगी। आपके जितना अपने हिसाब से फिटिंग रखनी है उसके हिसाब से लीफ करेंगे। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टाइट ट्राउज़र पहनते हैं तो तीन लीफ भी इनफ है, फोर लीफ भी इनफ है। ये लूज़ पहनते हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ पहनते हैं तो उसके हिसाब से सिक्स रखने, सेवन रखने, एट रखने, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो का पार्ट टू देखना मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।